मणिपुर के नोनी जिले में रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 24 हो गई। इसमें टेरिटोरियल आर्मी के 18 जवान शामिल है। खबरों के अनुसार गुवाहाटी में सैन्य प्रवक्ता के हवाले में बताया गया है कि 38 लोग अब भी लापता है। राहत और बचाव कार्य तेज करने के लिए कई और टीमों को लगाया गया है। सेना, असम राइफल्स, टेरिटोरियल आर्मी, NDRF और SDRF के जवान लगातार मलबे में जिंदगियां ढूंढने में जुटे हुए हैं। इस बीच मणिपुर में घटनास्थल के नजदीक एक और भूस्खलन हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक सैन्य प्रवक्ता ने बताया है कि मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए वॉल रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा खोजी कुत्तों के दस्तों को भी लगाया गया है। अब तक टेरिटोरियल आर्मी के 13 जवान और 5 नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। टेरिटोरियल आर्मी के 18 जवानों और 6 सिविलियंस के शव अब तक बरामद हुए हैं। फिलहाल ये भी बताया गया है कि टेरिटोरियल आर्मी के 12 जवान और 26 नागरिक अब भी लापता हैं। इनकी तलाश को काम अभी भी जारी है।